हेलो गाइस, आज फिर से हम आपको ले चलेंगे गोवा और सैर कराएंगे गोवा की बीचेस पर। तो आज हम आपको ना पूरी डिटेलिंग दिखाएंगे, जहाँ का हम आपको वीडियो में दिखाने वाले, वो आपको पता चल जाएगा अभी आगे कि हम आपको कहाँ दिखाने जा रहे हैं, तो क्या कहाँ ले जा रहे हैं। साथ घूमने यस कहाँ चलने वाले हम? कहीं भी कहाँ? जहाँ हमारी स्कूटी ले जाए हम। आज जाके समुद्र में डूब जाएंगे। यस ठीक है, पक्का? बिल्कुल। तुम पहले डूबोगी कि मैं? तुम मैं पहले डूबू? चलो कोई नहीं, देखते हैं वहां जाके कौन डूबता पहले है। चलो ओके। तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शूट माय स्टाइल ब्लॉग पर। और हम फिर आज हमने अपने लास्ट वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू किया है, कोलंगट बीच पे। नजारे देखिए कितने खूबसूरत, कितने प्यारे हैं, समंदर शांत एकदम लहरों के साथ, प्यारा प्यारा। और आज का यहाँ का जो मौसम है वो मौसम भी बहुत प्यारा है, हल्के हल्के बादल हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं। और यही रीजन है कि आज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड आया हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्राउड की भरमार है, मौसम बिंदास है, लोगों का झुंड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है आज, क्योंकि मौसम हमेशा गोवा का एक बहुत इफेक्टिव चीज रही है कि जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन नियर बाय के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब जो नियर बाय के साथ साथ, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि लोकल्स जो है वो भी यहाँ आ जाते हैं, प्लस नियर बाय वाले लोग तो आते ही आते हैं। केरल के साइड के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और कर्नाटक से भी लोग यहाँ पे आते हैं, और प्लस हमारे दिल्ली मुंबई वाले लोग तो यहाँ पर रहते ही रहते हैं। आप देख रहे हैं सामने जैसे बच्चे बूढ़े जवान कपल, हर इंसान यहाँ पर अपनी मदहोशी में मदमस्त है और गोवा के लुत्फ उठा रहा है। गोवा के आपको लुत्फ उठाना है तो अभी इस मौसम में आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मौसम अभी चल रहा है ये मौसम बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है बजट वाइज भी। और मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको बहुत अच्छे बजट में आपको 2 से 2500 रुपये में बहुत अच्छे रिजॉर्ट या होटल मिल जाएंगे आपको। टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो इस टेम्परेचर आपको बिलो 40 डिग्री आपको मिलेगा। समहाउ ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं एडवाइस करूँगा कि आप जब गोवा अगर आते हैं तो आप मैक्सिमम बाय 20 तारीख तक यहाँ पर प्लान कर लीजिए, मतलब 20 तारीख तक आप आके रिटर्न भी हो जाइए, क्योंकि उसके बाद गोवा में बारिश का हल्का फुल्का मौसम चालू हो जाता है, बीचेस पर राइड्स बंद होना शुरू हो जाती है, स्कूबा डाइविंग बंद हो जाती है, तो उसके बाद आपको केवल यहाँ पर घूमने को मिल सकता है, आपको राइड्स करने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग बारिश में घूमना पसंद करते हैं गोवा में, उनके लिए वेलकम, वो यहाँ पर गोवा में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि गोवा है अपने आप में हर इंसान के लिए एक ऐसी जगह जहाँ वो कभी भी घूमने आ सकता है, क्योंकि नज़ारे हर इंसान को अपनी नज़रों से देखने होते हैं और हर किसी की नज़र अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करती है कि उसको गोवा में क्या चीज़ घूमनी और क्या चीज़ देखनी है। तो अभी इस वक्त का जो नज़ारा है वो बहुत प्यारा है। अप्रैल ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि एक अच्छा वेदर के साथ अभी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, गोवा घूम रहे हैं, और मई 20 तारीख तक ही आप यहाँ पर प्लान कीजिएगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे बंद होना शुरू हो जाएंगी, सेक्स भी हटना चालू हो जाएंगे, गिने चुने शेक रह जाएंगे, नाइट क्लब भी ऑलमोस्ट बंद होना चालू हो जाएंगे। कुछ जैसे बागा बीच पर रहते हैं तो 2-3 आपको नाइट क्लब्स खुले हुए मिल जाएंगे बागा कोलंगट बीच पर। इसके अलावा मोस्टली जो वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। टिटोज जैसा कि बागा बीच पर बहुत फेमस नाइट क्लब है तो वो ऑलमोस्ट 365 डेज खुला रहता है, बट क्योंकि क्राउड वहाँ पर बहुत कम हो जाता है तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 20 मई से पहले पहले आप यहाँ पर आएँ और आगे वापस भी चले जाएँ, सो दैट कि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो आपकी फ्रूटफुल जाए, आपका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा जाए और आप प्लान करके आए वो प्लान आपका 100%। तो क्राउड की मैं बात करूँ तो आप वीकेंड्स में आप आएंगे तो आपको देखिए भर भर के यहाँ पर क्राउड मिल जाएगा और नज़ारे आप देख ही रहे हैं सामने, क्योंकि आज थोड़ा सा वेदर है, राइड्स थोड़ी सी कम चल रही हैं इसलिए राइड्स आपको ज्यादा नजर नहीं आ रही होंगी। इवन दो यहाँ पर अभी जिस दिन मैं आया हुआ था उससे पहले यहाँ पर राइड्स ठीक ठाक चल रही थी, ड्यू टू सम रीजन आज यहाँ पर थोड़ा सा राइड्स को काफी कम कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि क्राउड यहाँ पर भर भर के आया हुआ है, क्राउड पूरी तरीके से यहाँ पर है, समंदर की लहरें आपका बेसब्री से कूद कूद कर आपका स्वागत कर रही है। लोग देखिए कितने फैंटेस्टिक आउटफिट्स में यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशली मैं लेडीज की बात करूँ, लेडीज जो हैं वो यहाँ पर आराम से बिकनी में भी यहाँ पर एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बिकनी नहीं पहन सकते अगर आप इंडियन हैं तो, क्योंकि बहुत से लोग शर्माते हैं इन सब चीज़ों से एज ए इंडियन, बट आप यहाँ पर गोवा में जब आते हैं तो आपका ऑलमोस्ट आपका माइंड सेट भी गोवा की तरह हो जाता है, तो आप यहाँ पर अपनी मन मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं और आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं।
जिनको फॉरनर्स से रिलेटेड बीचेस घूमने का शौक है, उनको कहूँगा कि वो नॉर्थ गोवा के अरंबोल बीच पर जा सकते हैं, मांदे बीच पर जा सकते हैं। तो लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा फॉरनर्स से लेना देना नहीं रहता है, जो घूमना चाहते हैं, बीचेस के मजे लेना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, नाइट क्लब इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कोलंगुट बीच पर आ सकते हैं। कोलंगुट बीच में कहूँगा और बागा बीच इज़ वन ऑफ द फेमस एंड क्राउडेड बीच इन द नॉर्थ गोवा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर नॉर्थ गोवा आते हैं तो कोलंगुट बीच पर और बागा बीच पर जरूर आएगा। जैसा कि अभी हम कोलंगुट बीच पे हैं तो नज़ारे कितने क्लियर क्रिस्टल और लुभावने हैं। तो गाइस मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 20 तारीख से पहले आप लोग यहाँ पर जरूर आए, 20 मई से पहले, और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें वो सुड़ाऊँ शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर एक वीडियो को इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप एंजॉय करें, और हम आपके कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। इसमें हमारा भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय, नमस्कार।